कोसा भी करो उधर इधर देखो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बस आइयो रायगढ़ भी बड़ा ही है वो ये फ्लैग ऑफ हुई आइयो आइयो जय श्री राम जय श्री राम एक बार इधर दिखाओ कौन सा कौन सा ओ पीछे आओ थोड़ी पीछे आओ थोड़ा पीछे आओ थोड़ा पीछे आओ कोसा पर देखना जय श्री राम भाई यात्री आएंगे ना आगे यार शेट्टी साहब रामलला के दर्शन करें और रामलला के दर्शनों के लिए ये ट्रेन गई है। सारे वक्त जो है रामलला के दर्शन करके वहाँ आएंगे। काफ़ी बड़ा संघर्ष हमारे लोगों को देखना पड़ा, 500 सालों का संघर्ष, और पिछले तकरीबन 1980 से लेकर आज तक ये 44 साल का संघर्ष जिसमें हम ये सफलता हमने पाली कि वहाँ रामलला का भव्य मंदिर बना और रामलला जो टेंट में रहते थे वो आज अपने घर में वापस आ गए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये सब लोग गए हैं, अब इनको आज बधाई देते हैं और यही कामना करेंगे कि अच्छा दर्शन करके वहाँ जय रहे हैं। और यकीनी तौर पर आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ के बाहर आया है। अपने मन से लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि हम वहाँ जाना चाहते हैं। हालांकि हम कहीं पर संकोच कर रहे थे कि जो बुजुर्ग है वहाँ रश है, अव्यवस्था हो सकती है, थोड़ी बहुत ठंड है, तो अब बुजुर्ग, लेकिन बुजुर्गों ने माना है कि हमने जाना ही जाना है। और अपने मन से ये केंद्र सरकार का एक बेहतरीन तोहफा राम भक्तों को दिया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है हर स्टेशन से ऐसी आस्था स्पेशल ट्रेन जो है वो निकल रही है। आज हमारे जम्मू से मंदिरों के शहर से पहली ट्रेन जो है वो अयोध्या धाम के लिए निकल रही है। अभी 11:55 में हमारे 20 बोगी जो है 20 कोच जो है तकरीबन 1250 यात्रियों को लेकर जो पूरे जम्मू समूचे क्षेत्र से हैं वह लेकर जाएंगे। कल ये लोग वहाँ पहुँचेंगे। स्वाभिमान के साथ पूरी यात्रा होगी। राम भोलेनाथ के भजन गाते हुए ये लोग जाएंगे और वहाँ दर्शनों के बाद ये स्वाभिमान के साथ वापस जम्मू लाए जाएंगे। इधर इधर रेलवे स्टेशन आए। जय श्री राम। आज बहुत जो है अच्छा लग रहा है कि यहाँ हमारी मातृशक्ति, बाकी जितने भी राम जी के भक्त हैं वो जम्मू से जा रहे हैं। स्पेशल जो ट्रेन लगाई है सरकार का, बहुत शुक्रिया करते हैं हम कि ये स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए लगाई है और ये यहाँ से जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम भी यहाँ आए हैं। हमने हमारा कोई जो वहाँ जो लंगर लगा हुआ है लता मंगेशकर चौक पे, तो उसमें कुछ एडिशनल सामान के लिए हमने इसी जो इनका ट्रेन में जो बोगी है, लैगेज बोगी, उसमें हमने लोड किया, उस सिलसिले में हमने लोड कराया। ये भाई साहब जो है साथ जाएंगे और वहाँ हमारे लंगर में सामान पहुँचाएँगे। तो मैं सरकार का, श्री मनोज सिन्हा जी का, ऊपर जो हमारे सेंटर में मोदी जी और हमारे जितने भी इसके साथ ये हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है चुग जी, उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की कि हर गरीब से गरीब हमारे श्रद्धालु को जो दूर से दूर दूर दराज में रहते हैं उनको एक बड़े मतलब जैसे मतलब बड़ा एक ये इजी पैसेज दिया रामलला के दर्शन करने का। और वहाँ भी जो सुविधा है बहुत अच्छी है। मैं इन सब भक्तों को यहाँ से आपके माध्यम से कहता हूँ कि वहाँ
जो अपने लंगर पे जाइए, जो जम्मू कश्मीर का लंगर है हमारे जो लता मंगेशकर चौक पे है, सरू नदी के किनारे पे है, राम की पौड़ी पे है, उधर जाके अपने लंगर में सेवा भी कीजिए और लंगर भी वहाँ खाइए और उसके बाद अपने प्रभु राम जी का भी आशीर्वाद लेके आइए और इनकी जो यात्रा है वो सुखम में हो और ये राम लहे जो एक चला हुआ है वो उसमें मगन हो जाएं और यहाँ ठीक तंदुरुस्ती से वापस आए और फिर यहाँ से अपने गांव में अपने एरिया में और लोगों को भी प्रस्तावित करें कि भाई ये यात्रा बहुत अच्छी है और दर्शन करके आए। इसी तरह जो जम्मू कश्मीर का हर कोने से जो डिवोटीज है, चाहे जिस भी धर्म के हैं, सब सनातन के हैं, जो सनातन जहाँ से शुरू हुआ है उससे फिर आगे जो है कुछ लोग दूसरे धर्म में वो भी आने चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। आज यहाँ के जो लोकल बीजेपी है उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। यहाँ हमारे युद्धवीर सेठी जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ हमारे असीम गुप्ता जी हैं, बलवान सिंह जी है, ये सब जो है एक बहुत अच्छा एक यहाँ जो मैसेज आ रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, ये मतलब वेरी वेल डन एंड टाइमली वो हो रहा है। तो इसी माध्यम से मैं दोबारा इनको रिक्वेस्ट करता हूँ लंगर पे आए और जितने भी वहाँ लोग हैं दुनिया से आ रहे हैं, तकरीबन 20,000 लोग पर डे वहाँ लंगर की व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। मैं ये कहते हुए जय श्री राम। मैंने वो समय भी देखा है 90 और 92 में जब यहाँ से कार सेवक जा रहे थे तो उनको बाहर इस रेलवे स्टेशन के बाहर उनको पकड़ा जाता था, उनको अरेस्ट किया जाता था। मुझे याद है हमारे भूतपूर्व हमारे श्रद्धेय नेता, बुजुर्ग नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, चमनलाल गुप्ता जी को इसी रेलवे स्टेशन के बाहर से हमारी यहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनको अयोध्या नहीं जाने दिया था। उस समय हम अलग अलग ट्रेनों में जा रहे थे अयोध्या पहुँचने के लिए, हमारी ललक थी हम अयोध्या जा रहे थे। लेकिन आज इतनी बड़ी खुशी के साथ हमारे लोग जयकारा लगाते हुए भगवान राम लला की मूर्ति के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत सुंदर व्यवस्था हमारी ओर से भी और सरकार की ओर से भी हुई है, ट्रेन्स की व्यवस्था हुई है। इन ट्रेन्स की व्यवस्था में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ भी हमारी व्यवस्था अच्छी प्रकार से, कुछ कार्यकर्ता हमारे एडवांस में वहाँ गए हैं, वो उनको रिसीव करेंगे, इनको वहाँ ठहराएंगे, इनकी दर्शन की व्यवस्था करेंगे। हमारे जम्मू के लोगों ने भी वहाँ लंगर लगाए हैं, हमारे चैम्बर एंड कॉमर्स का एक लंगर वहाँ लगा है, और भी बड़े एसोसिएशंस ने हमारे साथ रابطہ किया है, उसमें से अभी एक एसोसिएशन को लंगर लगाने की अनुमति मिली है। आगे भी लगातार जम्मू के भी जो लंगर लगाने वाले लोग हैं उनको वहाँ मौका मिलेगा, वो वहाँ लंगर लगाएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जो है वो दर्शनों के लिए जाएंगे। कल भी एक ट्रेन जाएगी और उसके बाद 13 तारीख को फिर से जम्मू से ट्रेन चलेगी, कटरा से ट्रेन चलेगी। ऐसा इन राम भक्तों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये अच्छी तरह से रामलला के दर्शन करके आए, ऐसा हम इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि ये दर्शन करके वापस आ जाएं। ऐसा आज इस प्रकार का पहली बार, जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेन यहाँ से जा रही है जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, ये बहुत खुशी की बात है।